साथ उस दिन किडनैप हुआ था सर, अपहरण किया गया था मुझे। हम शूटिंग करके घर जा रहे थे, घर जाने के दौरान ही मुझे किडनैप रास्ते से किया गया। हमने ये शिकायत चौथम थाना मानसी थाना चिरैया ओपी में थी और इस चीज पे अभी कोई तरह का एक्शन नहीं लिया गया। अगर उस दिन हमारा मर्डरे हो जाता तो उसका जिम्मेवारी कौन लेता, कौन देखता मेरे परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव। आइए सुनते हैं मशहूर भोजपुरी गायक बंशीधर क्या कहते हैं अपने अपहरण के मामले में। घटना के 10 दिन बाद भी सुपरस्टार गायक बंशीधर चौधरी को नहीं मिला इंसाफ। अपहरण के मामले में अभी तक नहीं हुआ FIR दर्ज। जब एक गायक बिहार में सुरक्षित नहीं तो आम जनता कितना सुरक्षित है। बंशीधर प्रकरण की जानकारी हेतु खगड़िया SP और चौथम थाना को फोन करने पर फोन नहीं उठा सका। आइए सुनते हैं बंशीधर चौधरी क्या कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव और मैं हूं सुमन सांडिल। अभी मैं खगड़िया जिले में जो एक घटना हुआ था, बंशीधर चौधरी जो मशहूर गायक हैं उनके स्टूडियो में मैं आकर सारा जो घटना का स्थिति है वो बंशीधर चौधरी से बात करेंगे। तो बंशीधर चौधरी जी, आप ये बताइए कि आपके साथ आज से कितना दिन पहले और क्या घटना हुआ था। सबसे तो पहले प्रणाम, और जितने भी द बिहार न्यूज लाइव को देखने सबको प्रणाम। मेरे साथ उस दिन किडनैप हुआ था सर, अपहरण किया गया था मुझे जी। तो अपहरण किया गया था घर से स्टूडियो के बीच में या प्रोग्राम करके घर आ रहे थे या स्टूडियो आ रहे थे? हम शूटिंग करके घर जा रहे थे, घर जाने के दौरान ही मुझे किडनैप रास्ते से किया गया। घर जैसे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे, घर से 10 किलोमीटर पीछे ही आपको अपहरण कर लिया गया था, आपके गाड़ी से उतार लिया गया था। 10-15 किलोमीटर पहले दियारा पड़ता है तो वहीं पे मुझे जो है अपहरण किया। तो उस घटना के बाद आप लिखित आवेदन अब अपने स्थानीय थाना को दिए थे। घटना का तकरीबन 10 दिन हो गया, 27 तारीख मेरे साथ ये घटना हुआ था। हमने ये शिकायत चौथम थाना मानसी थाना चिरैया ओपी में थी और इस चीज पे अभी कोई तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। इस चीज पे अभी तक कोई तरह का मतलब ना तो कॉल आया है जी, ये कार्रवाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम भी कॉल करते हैं तो फिर बात नहीं हो पाता। अच्छा से बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, बस यही सब चल रहा है। बिहार पुलिस का छवि पूरे अपने देश में क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सुशासन की सरकार में एक कलाकार जो अपने कला के माध्यम से जनता को मनोरंजन करने वाला कलाकार जब असुरक्षित है बिहार में, तो किस बात का सुशासन की सरकार। बड़ी बड़ी डिंगे हांकते हुए सरकार सुशासन की राग अलापता है, तो बिहार सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे मेरे द बिहार न्यूज लाइव के माध्यम से? बिहार सरकार से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग कलाकार हैं, मेरे साथ आज अपहरण हुआ, कल और कोई किसी भी कलाकार के साथ हो सकते हैं। आप वीडियो देखिए, वीडियो में खुद हम बच गए ना, बच गए, भगवान के कृपा रहा मेरे ऊपर। और जो मुझे चाहते हैं मेरे जनता जानने वाले मुझे सबका कृपा रहा, उस दिन हम बच गए। बिहार सरकार से यही हम कहना चाहेंगे कि हम भी कमाते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स जमा करते हैं ना हम लोग। अच्छा एक बात देखिए, अगर उस दिन हमारा मर्डरे हो जाता तो उसका जिम्मेवारी कौन लेता, कौन देखता मेरे परिवार को। तो हम लोग के अंदर बहुत डर है, मतलब डर का माहौल बना हुआ है। और बिहार सरकार से हम यही कहेंगे कि हम लोग के लिए भी कुछ पॉलिसी दीजिए, हम लोग उसके आधार पर चल सके, हम लोग को भी गार्ड सुरक्षा दीजिए ताकि हम लोग भी अच्छा से काम कर सके जी। एक कलाकार हो या आम नागरिक हो, जब सुरक्षित नहीं है तो बिहार सरकार पर एक बहुत बड़ा, और खास करके खगड़िया पुलिस पर। आप अभी कौन सा थाना का नंबर दिए थे जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर बात किए थे नंबर से? ये चौथम थाना का नंबर था जी। हाँ, चौथम थाना के चाहे जो भी स्टाफ हो, थाना प्रभारी हो या जो भी हो, हमारे फाउंडर डायरेक्टर जब बात किए थे और बंशीधर चौधरी का सिर्फ नाम बोले कि उसमें तेरा आपसे बात करना है तो रखिए शाम में बात करेंगे, जब एक
चैनल के फाउंडर डायरेक्टर के द्वारा बात किया जाता है, कॉल किया जाता है तो कॉल कट कर दिया जाता है। तो बताइए आम पब्लिक के साथ अगर इस तरह का घटना हो तो हो, खास के साथ भी हो रहा है बिहार में, तो मैं खास करके खगड़िया एसपी साहब से कहना चाहूंगा कि कलाकार को सुरक्षा मिलना चाहिए। और बंशीधर जी, आप खगड़िया एसपी साहब से क्या मांग करना चाहेंगे? खगड़िया एसपी साहब से यही मांग करना चाहें, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, उसके लिए आप सुरक्षा दीजिए हम लोग को। या तो हम जैसे स्टूडियो आते हैं, घर जाते हैं, तो कम से कम जाने जहां तक जो दायरा है, दियारा एरिया है, वहां तक हम लोग को अगर ना हो तो वहां तक थाना सब बोलिए, थाना हम लोग कॉल करेंगे, सर हम इस रास्ते से आ रहे हैं, ठीक है, ये कोई तरह की परेशानी ना, तो इस तरह का भी कुछ एक होना चाहिए ना हम लोग के लिए। आज वहाँ किरना हुआ, कल में मेरा हर जगह हम शूटिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं हर जगह, अगर इसी तरह आज अपहरण हुआ, कल हो सकता है मर्डर भी हो जाए, कौन जिम्मेवारी इसका लेगा? जी हाँ बंशीधर, आप ठीक बोल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, और बिहार में अपराधियों का मनोबल की बात जहां तक है तो अपराधियों का मनोबल चरम पर है, और बिहार की पुलिस बिल्कुल ही निकम्मी टाइप में, अगर शिकायत भी जाता है, लिखित आवेदन तो आप दे ही चुके हैं थाना में, तो मैं अपने बिहार न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से खगड़िया एसपी साहब को और खास करके सुशासन की सरकार का ढोंग पीटने वाले नीतीश बाबू को कहना चाहूंगा कि यही सुशासन की सरकार अगर है तो ऐसा सुशासन की सरकार नहीं चाहिए हमारे बिहार को, जनता को, कि एक कलाकार को भला किससे दुश्मनी हो सकती है, अपने कला के माध्यम से मनोरंजन आप पब्लिक को करते हैं, तो भला आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम कहीं कुछ गलती किए हैं जिसके वजह से हमसे बदला की भावना से ऐसा किया गया है? नहीं नहीं, आज तक तो हम तो कलाकार हैं, हम काहे किसी से दुश्मनी, हम ना तो आज तक किसी से मेरा दुश्मनी हुआ नहीं होगा, इस तरह कोई बात नहीं है ना, हम उसको जानते तक भी नहीं है। वो लोग जो अपहरण करके ले गए मुझे, वो सब लोग गमछा बांधले हुए थे, किसी का सिर्फ आग दिख रहा था, सबके हाथ में पिस्टल एकदम, देखिए ना वीडियो जो अभी वीडियो जो खुद वही बनाए हैं, वीडियो वही वायरल भी किए हैं, अब वीडियो देखिए, वीडियो में किस तरह से पिस्टल सटा कर रखे हैं अमेरिकन पट्टी, माँ इकर मादर चोद, नहीं तो मार दबो, इधर कर दो कर दो, देखिए ना वीडियो, देखिए वीडियो देख कर रो कांप जाता है। और वहां पर पता नहीं कहां से मेरे अंदर वो क्षमता आ गया, जो हम वहां खड़ा भी थे और कैसे कैसे जान भी बचा कर भाग गए वहां से। जी हाँ बिल्कुल, डरे हुए हैं एक कलाकार और पुलिस को खुला चैलेंज करते हुए अपराधी, वीडियो वायरल किया था आपको, जो अपहरण किया था बाजाब्ता पिस्टल सटा के वीडियो वायरल किया था, तो ये खुला चैलेंज है पुलिस के लिए कि पुलिस निकम्मी है, हम अपराधियों को पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। और बात भी जहां तक 100% सही है कि अभी तक 10 दिन होने को चला है, आप लिखित आवेदन भी चौथम थाना में दिए हैं, तो चौथम थाना की प्रभारी को कोई लेना देना नहीं है कि एक कलाकार के साथ बदतमीजी हुआ, अपहरण हुआ, मारपीट हुआ, वीडियो वायरल हुआ, तो शर्म आना चाहिए वैसे वैसे पुलिस को कि एक कलाकार को ना सुरक्षा दे पा रही है और ना ही बंशीधर चौधरी, तो अभी आप देख ही रहे हैं कि कितना डरे हुए हैं, और डर क्यों ना हो कि जिसको गाड़ी से उठा के उतार लिया जाए दियारा एरिया में, तो डर तो लाजमी है, किसी को भी डर हो सकता है, तो इस डर और घर और प्रोग्राम और कला, ये चारों के बीच में अभी आप घिरे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, एक तरफ डर है, एक तरफ अपराधी भी आपको जो है सो टारगेट किया हुआ था, और पुलिस तो अभी तक 10 दिन हो गया है, देखिए तो वो आवेदन लिखित में जो दिए थे आपके पास है उसका? जी मेरे पास है, हम चाहेंगे कैमरा आप जूम कीजिए, हम दिखा रहे हैं आपको। तो लिखित आवेदन जो चौथम थाना को दिया गया था, अभी गायक बंशीधर चौधरी जो बिहार के जाने माने गायक हैं, जितना वोट से एक सांसद एक विधायक बनता है उतना व्यूअर तो कम से कम आपके पास है कला के बदौलत? जी जी, वो तो आप देखिए यूट्यूब पे देखिए ना,
यूट्यूब पे देखिए, पूरे बिहार में मेरा गाना बजता है, पूरे बिहार के लोग मुझे जानता है और पूरे बिहार के लोग मुझसे प्यार करते हैं और सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहते हैं। तो बिहार के जनता को आप क्या कहना चाहेंगे मेरे द बिहार न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से? क्या कहेंगे अब, हम फिर आप सबके बीच वापस आ गए किसी भी तरह से, जान बच गया। कल हो सकता था नहीं रहते, देख रहे हैं वीडियो देखिए, कल तो कल के डेट में मुझे अगर मार देता तो फिर हम कहाँ नहीं रहते ना। तो बिहार की जनता के आशीर्वाद है मेरे ऊपर, इसलिए हम बच के वहां से आ गए हैं और इससे मेरी बात क्या हो सकता है। जी ऐसे ही बंसीधर जी, बिहार के जनता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और मेरा द बिहार न्यूज लाइव चैनल आपके साथ है। अगर प्रशासन इस मामले में गंभीरता से नहीं लेती है तो हमारा चैनल चुप नहीं बैठेगा और हमारा चैनल आवाज उठाते रहेगा। कैमरामैन चंद्रकिशोर के साथ सुमन सांडे, द बिहार न्यूज लाइव। नमस्कार प्रणाम, जितने भी लोग द बिहार न्यूज लाइव के माध्यम से मुझे देख रहे हैं सबको प्रणाम। आप लोग द बिहार न्यूज लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एक चैनल बिहार के नंबर वन न्यूज रिपोर्टर चैनल है, आप लोग इस पे बने रहिए और बिहार का खबर जानते रहिए। जय बिहार से जुड़ी सभी प्रकार की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार के एड विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें। संपर्क नंबर 8210130831, दूसरा नंबर 9534282179। फाउंडर सीईओ द बिहार न्यूज लाइव ऋषु राजपूत।